मेंबर पार्लियामेंट के रूप में भी हमने जनसेवा की है। जवाब वही है। कुछ मंत्री यहां हमारे वोटरों को डरा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ। जनता ने इस चुनाव को चुनौती के रूप में लिया है। देखिए, ये वीर जो देख रहे हैं, ये वीर जहानाबाद सड़क पे, ये किसी और का वीर नहीं, ये अरुण कुमार जी का वीर है। अरुण जी का रोड शो है जहानाबाद में। अरुण जी, क्या लग रहा है, देख के क्या कहेंगे, सड़क पूरा जाम है। जनता ने इस चुनाव को चुनौती के रूप में लिया है, चुनौती के रूप में लिया है। और अरुण कुमार प्रतीक मात्र हैं। जनता ये चुनाव लड़ रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अत्याचारियों के खिलाफ। अच्छा, जब शुरुआत हुई थी तो ये जो लोगों का जन समर्थन है, इसका अंदाजा था, जो अभी है देखिए, घोड़ा पे लोग, टमटम पे लोग, जहां तहां लोग आपको स्वागत में लगे हुए हैं। मुझे ये अंदाज नहीं था। मैं इन लोगों की बात, लेकिन मैं जनता की सेवा करता हूं, एक जन सेवक की तरह इस काम को कर रहा था। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग देखिए कहां कहां सड़कों पर खड़े हैं। उसको अब लग रहा है जो अरुण जी, वो जहानाबाद अरुण जी मांग रहा है, क्या कहेंगे। जो मेरे 10 साल का संसदीय जीवन जहानाबाद के सांसद के रूप में रहा, हमने जनसेवा की, और नहीं एक्स मेंबर पार्लियामेंट के रूप में भी हमने जनसेवा की है। गरीबों की लड़ाई लड़ी है, अत्याचारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। इसलिए जनता समझ रही है कि इस आदमी को सड़क पर ही रखना चाहती है, तो जनता इस बार संसद में भेजना चाहती है, मन बना चुके हैं। अब तो आप श्योर हो गए होंगे, भीड़ देख करके लग रहा होगा जो अब तो भाई अरुणमय है जहानाबाद। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई अब इफ बट नहीं है। अच्छा, अभी भी मदमाई सत्ता के अहंकार में कुछ मंत्री यहाँ हमारे वोटरों को डरा रहे हैं, हमारे समर्थकों को डरा रहे हैं, लेकिन उससे लोग और उभर करके सामने आ रहे हैं। अच्छा, उन विरोधियों के लिए अरुण जी क्या कहेंगे, लगातार आरजेडी और जदयू के लोग जो डटे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज देंगे। मिलना चाहिए, लोकतंत्र में हर ट्रस्ट के लोग होते हैं, तो जो लोग हैं वो उस बात को स्वीकार कर रहे हैं और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन उससे उनको पता चलेगा जनता कितना स्वीकार किया और किसको समर्थन दिया। देखिए, ये जो उत्साह है अरुण जी, लोगों का चारों तरफ देख सकते हैं तस्वीरों में, जो लोग जो हैं उत्साहित हैं, लोग जो हैं अरुण जी के नारे लगा रहे हैं, और जहानाबाद का ये रोड शो का नज़ारा है, सहयोगी हमारे लगातार जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और अरुण जी, ये बताइए, जहानाबाद के लोगों के लिए अधिक से अधिक मतदान हो, अरुण जी अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे अंतिम सवाल। बिल्कुल, गर्मी काफ़ी है, गर्मी इसलिए जूझना होगा बूथ पर, और ईमानदारी से अपने एक एक मत का प्रयोग करना चाहिए। जवाब वही है। चलिए, तो देखिए, अरुण कुमार जो है लगातार जहानाबाद की सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, यह तस्वीर जो है जहानाबाद की सड़कों का है, जहां पर लोगों का भीड़ के बीच से अरुण जी का जो है काफिला जा रहा है। और अरुण जी ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सहयोग सोनू के साथ अनुसूचा आई वी टीवी जहानाबाद। आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।